हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर बैटरी आपकी डाउन हो गई और आपने एक सेट टाइम के अंदर रिप्लेस कर दिया, तब तो मशीन अपना रेफरेंस पॉइंट भूलती नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा लेट हो जाता है या मशीन कई दिनों तक बंद रहती है, इस कंडीशंस में क्या होता है कि मशीन जो है वो अपना रेफरेंस पॉइंट भी भूल जाती है, ठीक है। और अगर उसके बाद भी आपने कुछ दिनों तक नहीं चेंज किया, तो हो सकता है कि मशीन का डाटा भी लॉस हो जाए, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था रिप्लेस करना। इसमें देखिए कि हम लोग मशीन अगर रेफरेंस पॉइंट अपना भूल गई है, तो हम लोग उसको कैसे दोबारा से सेट करेंगे, तो आइए देखते हैं इसको। दोस्तों, आप पीछे अलार्म हिस्ट्री में दिखाया था, तो वहाँ पर ये आ रहा था ना, एक्स एक्सिस बैटरी डाउन, जेड एक्सिस बैटरी डाउन, ठीक है ना। अब क्या है दोस्तों कि अब हमने बैटरी को रिप्लेस तो कर दिया, तो अगर रिप्लेस कर देने के बाद अब दोबारा हम ये मैसेज या अलार्म देखेंगे, तो अब वो बैटरी को रिप्लेस करने का नहीं बोल रहा है, क्योंकि बैटरी अब आपकी ठीक हो गई है। अब ये जो बता रहा है वो 300 का अलार्म, APC अलार्म है, एक्स एक्सिस नीड जीरो रिटर्न और जेड एक्सिस नीड जीरो रिटर्न। तो दोस्तों, इस केस में अब आप ये समझिए कि आपको अपने मशीन जो है ना, वो दोबारा से आपको रेफरेंस कराना पड़ेगा। उसके लिए सिंपल सा कुछ स्टेप्स हैं, उसको मैं बता देता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे सिस्टम बटन को प्रेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पैरामीटर नंबर होगा 1815, यहाँ से हम लोग टाइप करेंगे 1815, 1815 टाइप करेंगे, नंबर यहाँ पे हम सर्च कर देंगे, ये आ गया। अब यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, APC 11 है और आपका जो APZ है ये जीरो हो गया, यहाँ पे भी वन होना चाहिए। अब इसको वन कराने से पहले आपको क्या करना होगा कि मशीन को इसके रेफरेंस पॉइंट पर आपको मैन्युअली जॉग में या हैंडल में लेके जाना पड़ेगा। वहाँ पे दो एरो के निशान बने होते हैं, आप वहाँ खड़ा करेंगे और फिर यहाँ पर इसको 1-1 कर देंगे, ठीक है कि नहीं, या इसको 0-0 कर दिया, फिर 1-1 कर दिया, 1-1, तो कुल मिला के इसको हम चाहे 0 करें, एक बार इसको 0 किया, फिर 1 किया, इसको 0 किया, ये 1 किया, तो आपको यहाँ पे बाद में यहाँ पे APC में भी 1-1 होना चाहिए और APZ में भी 1-1 ही होना चाहिए। लेकिन कब होगा, जब आपको एक्सिस जो है वो रेफरेंस पॉइंट पे हो, तभी ये करना चाहिए। नहीं तो मशीन अगर कहीं अलग पोजीशन में खड़ी है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो मशीन आपकी कहीं और खड़ी है आगे पीछे, और आपने यहीं जीरो कर दिया, तो इसी पोजीशन को मशीन जो है वो रेफरेंस पढ़ लेगी, फिर इससे पीछे नहीं जाएगी। तो आपको इसको रेफरेंस पॉइंट पे करना है, तब यहाँ पे जीरो को वन कराना है। आइए पहले इसके रेफरेंस पॉइंट को मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें हम लोग देखें ना दोस्तों, तो ये जो है हमारा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कंप्लीट, तो ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये जो आगे पीछे ऐसे चलता है ये जेड एक्सिस होता है। तो जेड एक्सिस का ये जो लिमिट स्विच है ना, ये इस डॉग के ऊपर यहाँ पे होना चाहिए। तो अब ये थोड़ा सा और इसको पीछे करना है। ऐसे ही एक्स एक्सिस का अगर मैं दिखाऊं, तो जो एक्स एक्सिस है ये लगभग अपने डॉग के ऊपर आ गया है, तो एक्स एक्सिस की पोजिशन ठीक है, आपको जेड एक्सिस को और थोड़ा सा पीछे लेके आना है, ठीक है कि नहीं। तो अब इसको हम लोग मैनुअली जॉग मोड में, इसको माइनस, ये है ना, ये इसको प्लस में करेंगे तो इस पे आ जाएगा, और फिर वहाँ पे हम लोग उस पैरामीटर में जाके 0 और 1 कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मैं इसको भी लिमिट स्विच को डॉग के ऊपर बिल्कुल ला के मैच करा दिया। कुछ मशीनों में पॉइंटर्स बने होते हैं और यहाँ पे ऐसा बना हुआ है, तो मैंने इसको यहाँ पे ऑलरेडी लाके कर दिया है। अगर 1-8 मिलीमीटर कम ज़्यादा होगा भी ना, तो वो हम लोग दोबारा ऑफसेट वगैरह लेके चलाएंगे। तो एक्स एक्सिस मैंने दिखाई दिया था कि ऑलरेडी एक्स एक्सिस जो है वो अपने लिमिट स्विच के ऊपर आ गया है। तो अब हमें करना क्या है, अब वो पैरामीटर्स में जाके उसको 0 को 1 करना है। आइए उसको भी कर लेते हैं दोस्तों। अब इसको ना हमें 1 करना है, तो एक तो ध्यान ये रखना है कि जो मशीन है ना वो MDI मोड में होनी चाहिए,
और दूसरा जो PWE का पैरामीटर नंबर होता है ना, तो इसको भी यहाँ से इनेबल करना है। अभी ये 0 है डिसेबल के लिए और 1 है इनेबल के लिए, तो यहाँ से पहले तो आप इसको 1 यहाँ टाइप करेंगे और इनपुट कर देंगे, तो ये हो गया। अब हम लोग आएंगे दोबारा से पैरामीटर्स में, और अगर ये मैंने बताया ही था कैसे सर्च करना है, टाइप करके सर्च कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो APZ है इसको हमें 1 करेंगे, तो यहाँ पे 1 टाइप करके आपको इनपुट करना है, लेकिन मैंने बताया था कि पहले ये 0 होगा तभी ये 1 होगा, तो पहले इसको आप 0 इनपुट कर लीजिए और यहाँ पे अब 1 इनपुट कर दीजिए। ऐसे ही अब आप यहाँ पे चाहें तो अब 1 भी कर सकते हैं, तो ये 0 हो जा रहा है ना। तो अब हमें करना क्या है कि पहले इन दोनों को यहाँ पे 0 और इसको भी 0 कर दीजिए। करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 कर देंगे। अब करने के बाद ना दोस्तों, आपको फिर से एक बार मशीन को बंद करना है, चालू करना है, और फिर यहाँ पे 1 1 कर देंगे। देख रहे हैं ना, अभी ये नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पे पहले तो 1 कर लीजिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 कर लीजिए, ठीक है। और एक बार मशीन को बंद करके चालू करिए, फिर इसको 0 को 1 1 कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग एक बार मशीन को ऑफ करेंगे, मैं मशीन का पावर यहाँ से ऑफ कर दिया। तो मैंने दोस्तों मशीन चालू करके, और यहाँ पे अब हमने जो 0 था ना, तो इसको तो 1 1 कर ही दिया था, अब इसको भी आप 1 1 कर दीजिए और यहाँ पे भी 1 1 हो जाना चाहिए। तो कुल मिला के ये है कि आपका ये दोनों में 1 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 1 1 हो गया तो समझिए कि आपकी मशीन रेफरेंस पे पढ़ ली और आपका मशीन का 0 पॉइंट सेट हो गया, ठीक है कि नहीं। अब आइए इसको हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार मशीन को बंद करके चालू करके। अब यहाँ पे अगर हम लोग अलार्म का एक बार डिटेल भी देखेंगे ना, तो ये भी वही बताएगा, मैसेज में जाएंगे तो यहाँ पे अब आ रहा है कि एक तो आप पैरामीटर राइट को इनेबल कर दीजिए, इनेबल है, ठीक है, और दूसरा प्लीज टर्न ऑफ पावर। तो एक तो आपको इसको इनेबल है तो उसको डिसेबल भी कर सकते हैं, और पावर को टर्न ऑफ कर दीजिए, बंद करके चालू कर लीजिए, और फिर ये PWE को जो आपने यहाँ पे PWE को जो 1 किया है इसको हम लोग 0 कर लेंगे, ठीक है कि नहीं। तो एक बार 0 तो आप अभी भी कर सकते हैं, तो भी एक अलार्म आपका अभी भी आ रहा होगा, ठीक है ना। तो एक बार पावर को ऑफ करके हम ऑन कर देंगे, ठीक है। अब एक अलार्म आपका हट गया, अब केवल टर्न ऑफ पावर है। एक बार पावर को ऑन ऑफ कर देंगे तो आपके मशीन से सारा अलार्म चला जाएगा। तो मैं पावर को एक बार बंद करके चालू करके दिखाता हूँ। अब देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे कोई भी अलार्म नहीं है, मैंने मशीन को बंद करके चालू कर दिया है। अब अगर मुझे रेफरेंस पॉइंट चेक करना है तो आप यहाँ से MDI में चले जाइए, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको मोड MDI, और MDI में जा करके आप यहाँ पे अपना कमांड टाइप भी करते हैं ना जैसे, तो आप यहाँ पे टाइप करते हैं G28 U0.0 W0.0 एंड ऑफ लॉक, ऐसा टाइप करके इंसर्ट कर दीजिए। ये कमांड हमने टाइप कर दिया। अब अगर हम साइकिल स्टार्ट दबाएंगे ना, तो थोड़ा सा सेफ्टी के लिए फीड को स्लो कर सकते हैं। अब मैं जैसे साइकिल स्टार्ट दबाता हूँ तो अब ये पीछे जाने लगेगी, हम चाहें तो यहाँ पे पोजीशन में आल को देखते भी रहें कि हमारा ये पोजीशन 0 पे जाएगी, तो ये 0 0 हो जाना चाहिए। तो मैं थोड़ा स्लो स्लो करके इसको ले जाता हूँ, तो देखिए हमारा एक्स रेफरेंस हो गया और जेड भी ये रेफरेंस हो गया, और कोई भी अलार्म नहीं है। तो सिंपल सा है दोस्तों, आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं, और आप ध्यान से करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।